2 मई साल 1921 को सत्यजीत रे का जन्म कोलकाता में हुआ। वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक के सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा लगभग 32 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जिस ऑस्कर को पाना हर एक्टर डायरेक्टर का सपना होता है, वो सत्यजीत के पास खुद चलकर आया था। दरअसल साल 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर का ऑनरेरी अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की गई, लेकिन उस दौरान वे बहुत बीमार थे। ऐसे में ऑस्कर के पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि ये अवार्ड उनके पास पहुंचाया जाएगा। ऑस्कर के पदाधिकारियों की टीम कोलकाता में सत्यजीत रे के घर पहुंची थी और उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया। कई फिल्मों के निर्देशन कर चुके सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्मों में पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी देवी मुख्य हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे गए सत्यजीत रे को भारत सरकार ने साल 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से नवाजा। इसके साथ ही साल 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।